हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस हियरिंग इंडिया चैनल। मैं करण कोठारी और आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स विद करण के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने बेल आइकन ना दबाया बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। एंड वन मोर थिंग गाइज, एवरीवन लिसन टू मी, अगर आपको कोई भी छोटे मोटे डाउट्स हो, वीडियो में ना समझ रहा हो और तुमने खुद से ट्राई भी किया हो घर पर, लेकिन देयर इज अ चांस कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं तुम अटक जाओ या और डिटेल में तुमको समझाने की ज़रूरत पड़े, वीडियो से भी ना समझे, तो अब तुम्हारे पास और एक ऑप्शन है और एक अपडेट आ चुका है दैट ये नंबर जो दे दिया है उस नंबर पे तुम लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो मुझे। आप वहाँ पे अपना डाउट्स वगैरह उसके फ़ोटो भेज सकते हो सम के, और मैं आपको ट्राई करूँगा कि वो ऑडियो वाइज या तो फिर वीडियो वाइज या तो ओवरऑल मैं मैसेज के थ्रू आपको मैं ट्राई कर सकता हूँ कि बेस्ट वे में वो समझा के दे सकूँ। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं हमारे अगले सेशन के लिए। एंड याद रखना गाइस, आज का जो सेशन है वो ऑलमोस्ट तुम लोग का ओवरऑल लॉजिक का जो मेन 8 मार्क विद ऑप्शन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर अगली जो एक्सरसाइज आएगी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ख़त्म कर लेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। हम लोग ने पिछली बार सर ट्रूथ टेबल किया था। ट्रूथ टेबल में हम लोग ने वेरिफिकेशन वाला सम किया था, फर्स्ट सम हमने किया था। ये मैं एक्सरसाइज 1.6 पे हूँ। एंड अगर तुम लोग ने पिछला वीडियो देखा ना हो तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में से ही तुमको ये वीडियो का आइडिया मिलेगा। नाउ आई वाज ऑन फर्स्ट, हम लोग ने ये फर्स्ट वाला सम ख़त्म कर दिया है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विद द सेकेंड सम वेरिफिकेशन का। तो हम लोग को सबसे पहले सर टेबल बनाना सिखाओ, वो सब बेसिक है, एक बार वापस से तुम लोगों में क्लिक कर देता हूँ फास्ट, तुम लोग देख लेना। पहले तो क्वेश्चन क्या है, पी कंडीशनल द ब्रैकेट में पी कंडीशनल क्यू इज इक्विवेलेंट टू निगेशन क्यू कंडीशनल ब्रैकेट में पी कंडीशनल क्यू। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे दैट पी कंडीशनल ब्रैकेट में पी कंडीशनल क्यू, इसका मैं थोड़ा लेंथ बढ़ा देता हूँ, इज इक्विवेलेंट टू, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, निगेशन क्यू कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू, दिस इज माय होल क्वेश्चन। सर अभी मुझे पहले टेबल बनाना है। टेबल के लिए तुम लोग याद रखना कौन से कंटेंट चाहिए तुम लोग को, तो पहले दो अलग अलग पार्ट में करना है, एक LHS और एक RHS। मैं सिर्फ पहले LHS की बात करूंगा इसकी, ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। तो नाउ सब पी चाहिए मुझे, क्यू चाहिए सर, फिर उसके बाद पी कंडीशनल क्यू चाहिए, एंड आखिरी में पूरा का पूरा चाहिए। तो मुझे चार चाहिए कॉलम, तो 4x5x4 का मुझे लगेगा। यहाँ पे इंसर्ट कर दिया मैंने सर इसको, ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मेरा LHS बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, लंबा कर देता हूँ, ये मेरा हो जाएगा LHS। और एक फॉर्म लगेगा मुझे इसमें पी क्यू निगेशन क्यू, ये और एक पाँच, उसमें मुझे 5x5 चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे दो रेडी है। ऑलराइट एवरीवन, LHS एंड RHS मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा पी कंडीशनल क्यू, और यहाँ पे मैं RHS लिख रहा हूँ मेरा, दैट इज निगेशन क्यू कंडीशनल पी कंडीशनल क्यू। ऑलराइट, ये मेरा LHS और RHS है, इक्विवेलेंट है कि नहीं मुझे करना है। यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग ध्यान दो, यहाँ पे मैं लिखूँगा P, यहाँ पे Q, यहाँ पे P कंडीशनल Q, और यहाँ पे P कंडीशनल ब्रैकेट में P कंडीशनल Q, बराबर है। ये मेरा ओवरऑल LHS हो गया है। यहाँ पे सर P का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारा क्या है, T, F, बराबर है। जब R होता है तभी अलग होता है, ये सिर्फ 4x4 का है, T, F, F, बराबर। अगला T, F, T, and F, तो ये हो गया मेरा P and Q का स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी P कंडीशनल Q करना है, सब P कंडीशनल Q तुम लोग ध्यान से देखो, तो T कंडीशनल T का आंसर आता है T कंडीशनल F का आंसर आता है F कंडीशनल T का आंसर आता है T, एंड F कंडीशनल F का आंसर आता है T।
ये तुम लोग मुझे मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हो, सर आपने डायरेक्टली कैसे किया तो मैंने वहाँ पे समझाया है कौन सा पैटर्न यूज किया है, आपको आइडिया आ जाएगा। सर अब मुझे देखना है पी कंडीशनल ये वाला, तो देखो टी कंडीशनल टी आंसर विल बी टी, टी कंडीशनल एफ आंसर विल बी एफ, एफ कंडीशनल टी आंसर विल बी टी एंड एफ कंडीशनल टी आंसर विल बी टी। तो गाइस ये वाला जो पार्ट है ठीक है, ये मेरा आ चुका है LHS का आंसर। अगर सेम आंसर RHS का हुआ तो ये वेरीफाई हो जाएगा, हम लोग को वेरीफाई करना है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये P हो गया, ये Q हो गया, यहाँ पे निगेशन Q, यहाँ पे P कंडीशनल Q एंड एंड में निगेशन Q कंडीशनल P कंडीशनल Q बराबर, यहाँ पे ये मेरा RHS भी रेडी हो गया है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो टी टी एफ एफ, यहां पे टी एफ टी टी एफ टी एफ बराबर है, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी निगेशन क्यू तो क्यू का सारा उल्टा, एफ हो गया टी हो गया सर, एफ हो गया एंड टी हो गया। अब पहले तो P कंडीशनल Q का आंसर ढूंढ लेते हैं, तो सर T कंडीशनल T इज T, T कंडीशनल F का आएगा F, F कंडीशनल T का आएगा T एंड F कंडीशनल F का भी आएगा T। अब क्वेश्चन में निगेशन Q, निगेशन Q कंडीशनल ये वाला पार्ट, तो F कंडीशनल T इज T, T कंडीशनल F इज F, F कंडीशनल T इज T एंड T कंडीशनल T इज T। तो गाइज ये दो पार्ट देखो, यहाँ पे है टी एफ टी टी और यहाँ पे भी है टी एफ टी टी, मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। ध्यान से देखना और समझना, यू विल गेट एन आंसर ठीक है। नेक्स्ट मूविंग अहेड, ये वाला सम अगर तुमको समझ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए एक बार चाहिए तो तुम लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ और ये तुम्हारा एंड में लिख देना LHS is equal to RHS. You can verify over here that therefore LHS is equal to RHS. Got it? This is your sum. Moving ahead, so third, second तो हो गया, third सीखा हो आप ठीक है। Third वाला ध्यान से देखेंगे, negation P conditional negation Q is equivalent to P and negation negation Q इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू, मतलब इस बार तीन टेबल बनाने पड़ेंगे बिकॉज यहाँ पे तीन कंटेंट्स दे दिए है बराबर है। वेरी इंपॉर्टेंट सम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान से करना तुम लोग को इजी लगेगा ये ठीक है। गाइज मूविंग अहेड, तो हम लोग पहले क्वेश्चन अच्छे से लिख लेते हैं, दैट निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। ऑलराइट क्वेश्चन इज निगेशन ब्रैकेट के अंदर तुम लोग का आ जाएगा, इट इज पी कंडीशनल निगेशन क्यू, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, फिर इक्विवेलेंट टू पी एंड निगेशन निगेशन क्यू, पी एंड क्यू। तो गाइस तीन पार्ट है तुम्हारा, हर एक पार्ट को हम लोग समझते और करते ठीक है ना। सबसे पहला वाले पार्ट के लिए P चाहिए, Q चाहिए, निगेशन Q चाहिए, कंडीशन चाहिए और उनका निगेशन चाहिए। सबसे पहले हो जाएगा तुम्हारा P, Q, निगेशन Q, फिर सर P कंडीशनल निगेशन Q, P कंडीशनल निगेशन Q एंड आफ्टर दैट सर पूरा फाइनल निगेशन ऑफ P कंडीशनल निगेशन Q। नाउ सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो इधर आएगा T टी एफ एफ बराबर है, यहाँ पे टी एफ टी और एफ बराबर, ये मेरा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अब निगेशन क्यों मतलब उल्टा, तो टी का एफ हो गया, एफ का टी हो गया, टी का भी एफ हो गया, वापस एफ का टी हो गया। सर पी कंडीशनल निगेशन क्यू, पी कंडीशनल निगेशन क्यू, तो टी कंडीशनल एफ क्या होता है एफ, टी कंडीशनल टी तो टी,
एफ कंडीशनल एफ तो आंसर आएगा टी, एंड एफ कंडीशनल टी का भी आंसर आएगा टी। ये तुम्हारा नॉर्मल आ गया, इसका पूरे का तुमको निगेशन करना है। तो यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे टी आएगा, यहाँ पे टी है तो एफ, टी है तो है एफ, एंड वापस टी है तो एफ हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है नाउ, ठीक है ये तुम्हारा एक आंसर आ गया। मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन, तो ये टी एफ 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 हुआ है। फिर हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इसके साइड में ही वो कर दूँ। अभी मैं सेकेंड वाला पार्ट करना है मुझे, तो मुझे और एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इट विल बी सर यहाँ पे क्या बोला है मुझे कि सर पी है, क्यू है, निगेशन क्यू है, फिर निगेशन निगेशन क्यू एंड फाइव, तो पांच वापस ज़रूरत पड़ेगा मुझे। ओ भैया सर क्वेश्चन में बोला था पी है, क्यू है, निगेशन क्यू है, सर निगेशन निगेशन क्यू है, एंड द फाइनल वन ओवर हियर इज के पी एंड निगेशन निगेशन क्यू। तो यहाँ पे बोला है पी एंड निगेशन निगेशन क्यू, ठीक है यहाँ पे आएगा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, बराबर है। यहाँ पे निगेशन क्यू क्या हो जाएगा सर एफ टी एफ टी। अब वापस निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो वापस सीधे का उल्टा। देखो भाई हम लोग बोलते ना उल्टे का सीधे का उल्टा, और उल्टे का सीधा वापस सेम ही हो गया, तो वापस सेम ही होने वाला है। ये हो जाएगा टी एफ टी टी एफ टी एफ, बराबर टी एफ टी एफ टी एफ। अभी पी एंड दिस, तो पी टी एंड टी आंसर आएगा टी, टी एंड एफ आंसर आएगा एफ, सर एफ एंड टी आंसर आएगा एफ, एंड एफ एंड एफ आंसर आएगा एफ, बराबर है। तो मीन इसको ध्यान से देखो, ऊपर वाले के साथ वेरीफाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पे टी एफ 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 आया था आंसर, और यहाँ पे भी तुम लोग देखोगे तो टी एफ 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 आंसर आया है। सर ये दो पार्ट मैंने किया है, थर्ड पार्ट जो थर्ड पार्ट है वो तुम लोग खुद से ट्राई करो, एंड नहीं आता है तो सर मुझे व्हाट्सएप करो, जो नंबर पे है तुमको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा। तो ये देखो टी एफ एफ एफ, तो मैंने दो पार्ट किया है, थर्ड पार्ट तुम लोग ट्राई करो और मुझे बताओ, कमेंट में बताओ, या तो फिर उस नंबर पे व्हाट्सएप करो, अपना सोल्यूशन भेजो, मैं उसको चेक करके वेरीफाई करूँगा, ठीक है। मूविंग अहेड हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट के लिए। सर मेरा फोर्थ सम, तो थर्ड भी हो गया है, फोर्थ करता हूँ, निगेशन पी और क्यू, और निगेशन पी एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू पी निगेशन पी, मतलब एल एच एस बहुत बड़ा, आर एच एस बहुत छोटा है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कैसे उसको सॉल्व कर पाए। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, निगेशन पी, एक बार क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, ठीक है, निगेशन और निगेशन पी एंड क्यू। नाउ टेबुलर फॉर्म में आता है, सर मुझे P चाहिए, मुझे Q चाहिए, मुझे निगेशन P चाहिए, फिर ये 5, तो P Q निगेशन P, ये 4, इसका 5, ये 6 एंड 7 चाहिए मुझे। सबसे पहले मैं यहाँ पे P देता हूँ नाम, यहाँ पे Q, यहाँ पे निगेशन P, फिर पहले ये वाला पार्ट P और Q, उसमें भी निगेशन P और Q करना पड़ेगा, निगेशन P और Q, बराबर है। उसके बाद मुझे करना पड़ेगा सर निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, एंड द फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा निगेशन P और Q और निगेशन P एंड Q। भाई इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, सम भी कन्फ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वापस से ध्यान देते हैं सर हम लोग एकदम क्लियर कट यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सर P का स्टैंडर्ड फॉर्म टी टी एफ एफ, बराबर है, टी टी एफ एफ मेरा P का स्टैंडर्ड फॉर्म है, Q का आएगा टी एफ टी एफ, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, बराबर है,
निगेशन पी क्या होगा, तो ये हो जाएगा एफ एफ टी टी। देखो पी का पूरा उल्टा लिख दिया मैंने, अभी पी और क्यू करना है पहले मुझे, तो टी और टी आंसर आएगा टी, टी और एफ आंसर आता है टी, एफ और टी आंसर आता है टी, एंड एफ और एफ का आंसर आएगा एफ ही, बराबर है। अब इस पूरे टर्म का निगेशन मांग रहा है वो, तो हो जाएगा सर एफ 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 एंड टी, बराबर है। फिर सर पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है, ये पूरा होल ब्रैकेट में है, ठीक है ना। तो निगेशन पी एंड क्यू बोला है, निगेशन पी एंड क्यू, नॉट निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू। तो निगेशन पी एंड क्यू, तो एफ एंड टी, तो आंसर आएगा एफ। सर एफ एंड एफ, आंसर आएगा एफ। सर टी एंड टी, तो आंसर आएगा टी, एंड टी एंड एफ, आंसर आएगा एफ, बराबर है। एफ एफ टी एफ। नाउ ये दोनों के बीच में और है, तो एफ और एफ इज एफ, एफ और एफ इज एफ, एफ और टी इज ऑल्सो एफ, एंड टी और एफ और है क्या, हाँ तो एक मिनट रुक जाएगा। तो एफ और टी आंसर आएगा टी, एंड टी और एफ का आंसर भी आएगा टी। तो सर ये मेरा कॉन्ट्राडिक्शन जैसा दिख रहा है, ये मेरा एफ एफ टी टी करके आंसर आ गया है। अभी इक्विवेलेंट टू निगेशन पी, निगेशन पी भी यहीं पे मैं चेक कर लेता हूँ, सर वही है क्या, एफ एफ टी टी ही है, सिंपल वर्ड में ये भी वेरीफाई हो चुका है। लेकिन आप लोग को यहाँ पे पी का अलग से टेबल बनाना पड़ेगा टू मेक श्योर कि वो मार्क्स वहाँ पे काटे नहीं कोई, बराबर है। क्योंकि देखो जब जब अपने को अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तो वो मॉडरेटर या पेपर चेकर क्या ट्राई करता है कि कहाँ पे तुमने छोटी गलती की हो, और वो छोटी गलती वो लोग यहाँ पे कहीं पे ढूंढ सकते हैं। तो एक ही टेबल में फिट मत करो, ये वाला जो टेबल है वो मैंने LHS के लिए बनाया है, RHS का कंटेंट इसके अंदर ही है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अलग से और एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाला सेशन, ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। देखो इस बार है ना, ये इक्विवेलेंट के साइन नहीं दिए, उन्होंने क्या कर दिया है एंड लिख दिया है, ठीक है। अगर तुम लोग को दिख रहा है तो बेस्ट रहेगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ बहुत, ठीक है एवरीवन, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ना। तो इसको यहाँ पे क्या बोला है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो दो पेयर दे दिए मुझे, बराबर है, यहाँ पे मुझे क्या दे दिया है, दो पेयर दे दिया है, ध्यान देना, यहाँ पे दो पेयर दे दिए मुझे। तो तुम लोग इस दो पेयर को हम लोग को इक्विवेलेंट है या नहीं ट्राई करना है, और दो पेयर मतलब दो टेबल बनेंगे, बात एकदम सिंपल है। सर अभी दो टेबल बनाने हैं मुझे, तो सर मैं क्या करूँ, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करो, पी और क्यू एंड आर, सर आर आ गया है, पी और क्यू एंड आर, आर आया मतलब थोड़ा ज़्यादा मेहनत, थोड़ा नहीं डबल मेहनत बन जाता है वो। एंड नेक्स्ट है पी और क्यू एंड पी और आर, यहाँ पे आएगा पी और क्यू एंड पी और आर, ठीक है। ये वाले पार्ट में तुम्हारा जो पहला मेहनत रहेगा वो मैं चालू करता हूँ, और पहले देखते हैं टेबल में कितना कंटेंट आएगा। तो पहले पी क्यू आर, फिर क्यू एंड आर, एंड फिर फाइनल आंसर। तो पाँच चाहिए मुझे, लेकिन इस बार मुझे कितना चाहिए, पाँच चाहिए, लेकिन मुझे आठ का लेंथ चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक लेस कर दिया, बराबर परफेक्ट। यहाँ पे तुम लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। पहले मुझे चाहिए पी क्यू आर, फिर मुझे क्यू एंड आर, एंड आखिर में पी और क्यू एंड आर, पी और क्यू एंड आर, ठीक है एवरीवन। यहाँ पे सर पी, पी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान से देखना, इट विल बी टी 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 एफ 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 एफ, सर क्या हो गया ये टी 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 टी
FFFFF, TTTTT, FFFFF. Moving ahead, यहाँ पे हो जाएगा TTFF, वापस TTFF, बराबर है, यहाँ पे R में TF, 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 and F, बराबर है, तो TF, 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 TF. Now, सर Q and R है पहले, T and T होता है, TNF, F होता है, FNT, F होता है, FNF, भी F होता है, TNT, T होता है, TNF, F होता है, FNT, F होता है, FNF, भी F होता है. अब इन दोनों में और है, तो T और T आंसर होगा T और F आंसर होगा T और F आंसर होगा T और F वापस आंसर होगा T F और T आंसर होगा T F और F आंसर होगा F और F आंसर होगा F एंड वापस F और F आंसर होगा F. तो मेरा फाइनल आंसर आया है TTTTTFFF, 5 बार T, 3 बार F. ये मेरा वापस से फाइनली हो चुका है. अभी मुझे वेरीफाई करना है ये वाला पार्ट, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा मूव करता हूँ राइट साइड में और ऐसे मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ. ठीक है, तो क्वेश्चन है P और Q and P और R. तो P Q R, ठीक है, फिर और क्या है मेरा P और Q P और R एंड फाइनल आंसर, तो 6 चाहिए मुझे. तो यहाँ पे मैं फॉर्म रेडी करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, एक है P Q फिर R, फिर यहाँ पे आएगा P और Q, पहला वाला आएगा मुझे P और Q, फिर आएगा P और R और फिर इन दोनों के बीच में एंड हो जाएगा. तो मैं लिखता हूँ, पहले यहाँ पे देख लेना इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट T T T T F F फिर F and F. तो TTTTTFFFFF. मूविंग अहेड, TF T F T F T F. तो TF 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 TF, ये वाला एक्चुअली मैंने R का लिख दिया है, एक मिनट रुक जाओ गाइस, इसको मेरे को रब करना पड़ेगा. बराबर, तो मैंने R वाला लिख दिया है, यहाँ पे आएगा T T F F T T F F. गाइस, आप लोग को भी मिस्टेक हो सकती है ये बोर्ड में, क्योंकि हम लोग को कुछ आदत होती नहीं है इस चीज़ों की, तो आदत गिरा है कैसे मैथ्स में सर, तो मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके. ठीक है, मूविंग अहेड, यहाँ पे T F T F T F T F. तो TF 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 हो गया. अभी P और Q, तो T और T, T और T वापस T T और F T T और F T F और T भी T F और F F आएगा एंड F और F भी F आएगा. मूविंग अहेड, सर P और R, तो T और T T हो जाएगा, T और F भी T हो जाएगा, T और T वापस T हो जाएगा, T और F T हो जाएगा, सर F और T T हो जाएगा, सर F और F F हो जाएगा, F और T T होगा एंड F और F वापस F हो जाएगा. अभी इन दोनों के बीच में एंड चाहिए, तो इसको नंबर 1, ये नंबर 2, तो कहना ऐसे 1 and 2. तो T and T का आंसर आएगा T 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 T and F का आंसर आएगा F
एफ एन डी का भी एफ, एन एफ एन एफ का भी एफ, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया है। तो सर यही आंसर आया क्या, टी 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 एफ एफ एफ, पाँच टी तीन एफ, तो यहाँ पे भी मेरा क्या है, पाँच टी एंड तीन एफ बराबर है। तो ये तुम्हारा सोल्यूशन यहाँ पे रेडी हो गया है। अब मूविंग अहेड, तो ये मैं क्लियर करता हूँ, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये पार्ट हो गया है यहाँ पे, दैट पी बाई कंडीशनल क्यू एंड पी कंडीशनल क्यू एंड पी क्यू कंडीशनल पी, डिफरेंस है दोनों में, दोनों सेम चीज़ नहीं है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पी बराबर है पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू कंडीशनल पी। अब मैं इसका टेबल फॉर्म करता हूँ, पहले ये वाले साइड का, तो पी कंडीशनल क्यू तीन ही चीज़ चाहिए, पी क्यू एंड द मेन आंसर। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं, इंसर्ट, इनको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एंड विल स्टार्ट। तो पी क्यू एंड पी, यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पे आएगा पी बाय कंडीशनल क्यू। पैटर्न याद रखना, मेरा पिछला वीडियो देखना जहाँ पे मैंने पैटर्न सिखाया है लर्न करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा टी टी एफ एफ, यहाँ पे आएगा टी एफ, ठीक है। ये टी बाय कंडीशनल टी, तो टी बाय कंडीशनल टी का आंसर आता है टी, टी बाय कंडीशनल एफ का आंसर आता है एफ, एफ बाय कंडीशनल टी का आंसर आता है एफ, एंड एफ बाय कंडीशनल एफ का आंसर आएगा टी। तो प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ये लॉजिक मैंने याद करवाया था। ये वाला टेबल आ चुका है, मैं वेरीफाई करना है, और एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे पी क्यू एक दो तीन पाँच चाहिए, ठीक है। वो यहीं पे आ जाएगा मेरा टेबल, तो ध्यान देना एवरीवन, इट विल बी पी क्यू, फिर पी कंडीशनल क्यू, फिर क्यू कंडीशनल पी, एंड इन दोनों का फिर एंड हो जाएगा। अगर ये वन होगा, ये टू होगा, तो कहने से वन एंड टू हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा वन एंड टू हो जाएगा, क्लियर। मूविंग अहेड, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे टी एफ टी एफ बराबर है। नाउ पी कंडीशनल टी क्यू करना है, तो टी कंडीशनल टी का आंसर आएगा टी, टी कंडीशनल एफ का आंसर आता है एफ, एफ कंडीशनल टी का आंसर आएगा टी, एफ कंडीशनल एफ का आंसर आएगा टी। अब उसका ऐसा जाएंगे, क्यू कंडीशनल पी है, तो टी कंडीशनल टी का आंसर आएगा टी, एफ कंडीशनल टी का आंसर आएगा टी, टी कंडीशनल एफ का आंसर आएगा एफ, एंड एफ कंडीशनल एफ का आंसर आएगा टी। नाउ इन दोनों में एंड करना है, तो टी एंड टी इज टी, एफ एंड टी इज एफ, टी एंड एफ इज ऑल्सो एफ, एंड टी एंड टी इज टी, तो टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी। वेरीफाइड सर, वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। वापस से ध्यान देना, ईजी सम है, बहुत मज़ा आएगा तुम लोग करने में, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दे देना, ठीक है। एवरीवन क्लियर हुआ ये सम, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर थर्ड सम। मैं ट्राई करता हूँ कि थर्ड मैं कर लूँ, इसमें तीन अलग अलग वेरीफिकेशन करना है, फोर्थ मैं आप लोग को मैं होमवर्क देने का प्लान करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला तुम लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन चीज़ वेरीफाई करनी है, थ्री थिंग्स। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे इसको क्लियर करके। सर क्वेश्चन क्या है, पी कंडीशनल क्यू एक हो गया, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, ठीक है, निगेशन पी और क्यू। नाउ मूविंग अहेड, एक एक चीज़ एक एक टाइम पे करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहला है पी कंडीशनल क्यू, तीन चीज़ चाहिए मुझे बराबर, इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ मैं, एंड आई विल राइट, इट विल बी पी क्यू पी कंडीशनल क्यू। बहुत सिंपल है, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ, टी कंडीशनल टी इज टी,
टी कंडीशनल एफ इज एफ, एफ कंडीशनल टी इज टी, एफ कंडीशनल एफ इज ऑल्सो टी. ये पहले वाले का आया आंसर. मूविंग अहेड, ये बीच वाला, इसके लिए मुझे निगेशंस चाहिए. मैं शॉर्टकट थोड़ा यूज़ करने वाला हूँ तो ध्यान देना, ठीक है. इसके लिए भी मैं ये छोटा वाला यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे देखना आप, इट विल बी निगेशन, निगेशन क्यू, निगेशन पी, निगेशन, क्या बोला मैंने, निगेशन क्यू, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, कंडीशनल निगेशन पी, ठीक है. तो निगेशन क्यू लिखना हूँ मैं, यहाँ पे आएगा एफ टी एफ टी, यहाँ से निगेशन क्यू मैं लिख सकता हूँ. निगेशन पी एफ एफ टी टी, और इन दोनों के बीच में कंडीशनल है. सर एफ कंडीशनल एफ आंसर आएगा टी, टी कंडीशनल एफ आंसर आएगा एफ, एफ कंडीशनल टी आंसर आएगा टी, डी कंडीशनल टी का आंसर आएगा टी. टी एफ टी टी, टी एफ टी टी, दो चीज़ तो इजीली वेरीफाई हो गई है. थर्ड वाली चीज़ निगेशन पी और क्यू, यहाँ पे टेबल ड्रॉ करूँगा वापस तीन का ही. अब इसको थोड़ा मैं साइड में मूव करता हूँ और पूरे स्लाइड को भी साइड में. मूविंग अहेड, यहाँ पे आएगा निगेशन पी, ठीक है, निगेशन पी क्यू एंड निगेशन पी और क्यू. निगेशन पी यहाँ पे है, सेम कॉपी कर सकते हो. एफ एफ टी टी, क्या बोला मैंने, एफ एफ टी टी. फिर सर क्यू क्या है, तो क्यू वाला मेरा आएगा टी एफ टी एफ, वो तो तुमको भी पता है. नहीं क्या हो गया, एफ टी नहीं, एफ एफ टी टी. क्यू क्या है मेरा, टी एफ टी एफ, और इन लोग का आंसर क्या आएगा, तो ये और है एफ और टी, टी एफ और एफ एफ, टी और डी टी, टी और एफ भी टी. तो तीन चीज़ वेरीफाई हो चुकी है. सेम आंसर टी एफ टी टी, देखो इसमें भी टी एफ टी टी, सेकेंड टेबल में भी टी एफ टी टी एंड थर्ड टेबल में भी टी एफ टी टी. ये तुम्हारा ओवरऑल सम यहाँ पे ख़त्म. तुम लोग, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, ये ट्राई कर सकते हो अभी खुद से फोर्थ सम ट्राई करना एंड मुझे आंसर तुम लोग भेजना ऑन व्हाट्सएप, ठीक है. तो ये क्या है, निगेशन पी एंड क्यू, एंड निगेशन पी और निगेशन क्यू, ठीक है. ये वाला पार्ट तुम लोग अच्छे से करना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे, ठीक है. नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है, दैट इज एक्सरसाइज 1.7. सर एक्सरसाइज जो 1.7 है, इसमें कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम है ड्यूअलिटी. क्या बोला मैंने, ड्यूअलिटी. इस कंसेप्ट का मतलब होता है सर, नॉर्मली और हो तो उसको एंड करेंगे, एंड हो तो उसको और करेंगे. वापस से, अगर कोई और हुआ तो वो हो जाएगा ड्यूअलिटी में एंड, अगर एंड हुआ तो ड्यूअलिटी में वो हो जाएगा और. समझा कि नहीं, तो और एंड हो जाएगा एंड और हो जाएगा. वापस से मैंने बोला, और एंड हो जाएगा एंड और हो जाएगा, उल्टा, बाकी और कुछ नहीं होगा. तो राइट द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत ईजी है. तो मैं यहीं पे उसके बाजू में ही यहीं पे लिख देता हूँ कि उसका आंसर क्या आएगा. यहाँ पे अगर तुम लोग देखो, मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो तुमको आइडिया मिल जाएगा. ऑलराइट, यहाँ पे देखो पी और क्यू ब्रैकेट के अंदर और आर, तो इसका आंसर हो जाएगा, इट विल बी पी एंड क्यू एंड आर. तो यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड हो गया, बराबर है. यहाँ पे देखो सर, निगेशन पी एंड क्यू होगा, एंड है तो यहाँ पे और होगा, फिर पी और है तो एंड होगा, निगेशन
थोड़ा मूव करता हूँ इसको मैं, निगेशन क्यू और होगा एंड है तो निगेशन आर, तो जहां जहां यहां पे और था वहां पे एंड हो गया, जहां पे और था वहां पे एंड हो गया, जहां पे एंड था वहां पे और हो गया। सिमिलरली हम लोग ये वाला दो पार्ट भी इजीली कर सकते हो, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, सिर्फ और का एंड करना है, एंड का और करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम में आता है सर, हाँ आएगा लेकिन ओनली फॉर वन मार्क, सिंपल एक्सरसाइज 1.7 एक मार्क के लिए ही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ खुद से ट्राई करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद दिस वन, हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं सर, ड्यूअलिटी में आपने जो किया है वो तो समझा मुझे, तो हम लोग ये वाला पार्ट करते हैं सर, राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट का हम लोग को ड्यूअल स्टेटमेंट लिखना है, बराबर है, 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसका आंसर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है, वहाँ पे मुझे बोला था दैट सर 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो यहाँ पे लिख दूंगा 13 इज अ प्राइम नंबर, वहाँ पे और एंड था तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और लिखेंगे, ठीक है ना, तो और ऐसा सर्कल मत करना, ये तुम लोग के लिए मैंने दिया है कि सर्कल करोगे तो याद रहेगा, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या बोला मैंने, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, समझा कि नहीं एवरीवन, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सिर्फ मैंने क्या किया एंड की जगह पे और डाल दिया है। वैसे इस सेकेंड वाला करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक्स हर, तो यहाँ पे वापस से क्या है मेरा कंटेंट और है, यहाँ पे एंड था तो और को क्या करेंगे हम लोग एंड करेंगे, करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर, सिंपल है, सिर्फ मुझे क्या करना है चेंज करना है उसको, बराबर, तो करीना इज, यहाँ पे लिखूंगा करीना इज वेरी गुड और करीना इज वेरी गुड, वहाँ पे और है यहाँ पे आ जाएगा एंड एवरीबडी, क्या बोला वो लोग ने, एवरीबडी सभी लोग को पसंद है, लाइक्स हर, ठीक है, करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबडी लाइक्स हर, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल ओवर हियर, मूविंग अहेड विद द थर्ड वन, दैट इज राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, बराबर है, यहाँ पे वापस एंड आ गया तो राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, और यहाँ पे फोर्थ वाले में अ नंबर इज रियल नंबर एंड द, वापस यहाँ पे एंड आ गया तो उसका हो जाएगा और द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव, तो ये वाले दो भी तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, वेरी 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 इजी पार्ट, एकदम क्लियरली हो जाएगा, ध्यान दे सकते हो, सिर्फ एंड का और का एंड, दिस इज कॉल्ड ड्यूअलिटी, और तुम्हारा इस के साथ 1.7 भी खत्म होता है, वी कंप्लीटेड 1.6 1.7 टुगेदर एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ विद दिस लेक्चर, अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.8 एंड विल ट्राई कि 1.9 भी शुरू हो जाए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।